एक युवक को अपनी ही मुंह बोली बहन के साथ बात करना पड़ा भारी। ये मामला है नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां आरोपी अनिकेत को अपनी प्रेमिका का उसके मुंह बोले भाई के साथ बात करना नहीं पसंद था, जिससे गुस्साए अनिकेत ने अपने साथियों के साथ मिलकर फिरियादी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की जाँच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले नंदनवन झोपड़पट्टी गली नंबर 3 नागपुर, यहाँ रहने वाला फिरियादी प्रकाश मेश्राम अपनी मोबोले बहन के साथ बात करता था और उसके घर जाता था। ये बात आरोपी अनिकेत वानखेड़े को खटकती थी, क्योंकि वो फिरियादी की बहन का प्रेमी था। अनिकेत को फिरियादी और उसकी प्रेमिका का बात करना पसंद नहीं था, जिससे गुस्साए अनिकेत ने आरोपी प्रणय और आरोपी आकाश के साथ मिलकर फिरियादी को जान से मारने का प्रयास किया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। जो गुन्ह्याचा प्रकार घडलेला आहे, तर हा नंदनवन झोपडपट्टी मध्ये झालेला आहे आणि फिरियादींचे परिचित मित्र आहेत ते अविना वानखेडे आणि त्याचे अजून दोन साथीदार, त्या लोकांनी काही माझ्या गर्लफ्रेंडला का बोलतो या कारणावरनं त्याला कालच्या घटनेच्या आधी 4 दिवस आधी पण एकदा शिवीगाळ आणि मारहाण केली होती। त्यावेळेस जखमी आपल्याकडे येऊन तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली नाही आणि काल पुन्हा अनिकेत वानखेडेने त्याच्या साथीदारांसह घरात घुसून चाकूसारख्या शस्त्राने त्याला जीव मारण्याचा प्रयत्न केला आहे। अनिकेत वानखेडेवर काही सध्या म्हणजे गुन्हे दाखल नाहीत आणि ती जी आरोपीची गर्लफ्रेंड जी आहे तिला हा जखमी बहीण मानत होता, बहिणीच्या नात्याने त्या लोकांचं एकमेकांशी बोलणं होतं, ते बोलणं आरोपीला खटकत असल्यामुळे आरोपीने त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न त्याच्यावर जीव मारण्याचा हल्ला केलेला आहे। पुलिस ने इस मामले में फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में आरोपी अब भी फरार है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।